मैं स्कूल में था तब मैं एक्टर बनना चाहता था कि मुझे लगा कि मैं यूपी से हूँ, मेरी ज़बान साफ़ है तो मैं दूसरा अमिताभ बच्चन बन सकता हूँ यूपी से। लेकिन जब मैं बॉम्बे आया और मैंने देखा कि एक्टर की स्ट्रगल क्या होती है और किस तरह से उनको काम करना पड़ता है, तो मुझ में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं एक एक्टर की स्ट्रगल पूरी कर सकूं। तो मैंने कहा मुझे और कुछ करना चाहिए जहां मैं कम से कम चीज़ें मेरे हाथों में हो, मैं जो खुद कर सकूं। तब मैंने अपने फादर को थोड़ा असिस्ट भी करना शुरू कर दिया था। तब मुझे लगा कि मुझे डायरेक्टर बनना चाहिए क्योंकि ये मीडियम डायरेक्टर का है और डायरेक्टर सब कुछ कर सकता है। वो जब चाहे एक्टिंग कर सकता है अपने एक्टरों के लिए, जब चाहे कॉस्ट्यूम बना सकता है, जब चाहे म्यूज़िक, और उसका काम फिल्म की रिलीज़ और फिल्म की रिलीज़ के बाद तक कभी ख़त्म नहीं होता और वो फिल्म पूरी तरह से उसकी होती है। फिल्मी वातावरण में रहना एक तरह से प्रभावित ज़रूर किया था मुझे कि मैं फिल्में बनाऊं और फिल्मों में काम करूं। लेकिन मैं क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा और बॉम्बे में इतना नहीं रहा तो मैं इतना ज़्यादा भी आकर्षित नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा शूटिंग्स या बहुत ज़्यादा फिल्मी पार्टीज़ और ये सब चीज़ें मैं कभी अटेंड नहीं की मैंने, तो मैं काफ़ी दूर था एक्चुअली फ़िल्म इंडस्ट्री से। मैंने कभी पूरी फिल्म के मेकिंग में ये अपने दिमाग में कभी नहीं रखा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी। मैं हमेशा पॉजिटिव था और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मेरी पहली फिल्म सक्सेसफुल हो कमर्शियली। मुझे चाहिए था कि कहीं ना कहीं इसकी सिल्वर जुबली हो और ये सब मेरे जहन में बहुत साफ़ था। तो जब मैंने जैसी फिल्म शुरू की और हर स्टेप पे मैंने ये चीज़ अपने ध्यान में रखी कि मुझे ये फिल्म सबके लिए बनानी है और सब लोगों को बराबर से पसंद आनी चाहिए फिल्म। और इतने बड़े बड़े महारथी जो थे फिल्म में, चाहे वो गुलजार साहब हों, चाहे वो रहमान हों, यश जी हों, मणि सर हों, अनिल मेहता हों और मेरे एडिटर हैं श्रीकर प्रसाद, तो मेरे लिए ये सब दुआओं के रूप में थे जिन्होंने संभाला मुझे कि मैं कहीं भटक ना जाऊं। और इन सब की जानतोड़ कोशिश और मेहनत इसमें शामिल है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं क्योंकि सिचुएशंस और जिस तरह की लिखाई थी फिल्म की तो उसमें काफ़ी क्लियर था और अप्रोच भी हम लोग का बहुत साफ़ और सीधा था जो कि हम लोग रियलिस्टिक रखना चाह रहे थे जिससे आम आदमी आइडेंटिफाई कर सके और उससे रिलेट कर सके। और मुझे नहीं लगा कि मैं इसके लिए कम मैच्योर हूँ या ज़्यादा मैच्योर हूँ। जैसी सिचुएशन थी उसके हिसाब से जो मुझे ठीक लग रहा था, जिस तरह के एक्शन और रिएक्शन होने चाहिए, तो मैंने अपने इंस्टिंक्ट और अपने सोच के हिसाब से उनको डायरेक्ट करने की कोशिश की। नहीं, डेफिनेटली मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा डेब्यू मिला, ऐसी फिल्म मिली जो कि इतनी सेंसिटिव अच्छी फिल्म थी। मेरे लिए मेरी अपनी निजी ज़िंदगी भी मेरे लिए एक तरह से एक फुल सर्कल हुआ जिसमें मैं एक एस्पायरिंग डायरेक्टर होने के बाद एक असिस्टेंट बना मणि रत्नम जी के साथ, उनकी फिल्म में उनकी लिखाई में मदद की और फिर एसोसिएट डायरेक्टर बना और फिर उन्हीं की फिल्म मुझे बनाने को दोबारा मिली और जो मुझे लगता है कि मैंने एक ठीक ठाक काम करके सामने पेश किया जिसमें मैं भी खुश था, मणि सर भी खुश थे और बहुत बहुत बड़ी ऑडियंस जिन्होंने सपोर्ट किया इस फिल्म को वो भी खुश थी। तो मैं ये एक्सपीरियंस कभी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। नहीं, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कांटे एज मच एज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई फिल्म बिकॉज इट वॉज अ बिग फिल्म कमिंग अप एंड इट वॉज आई रियली आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फिल्म एंड आई थिंक इट वॉज अ गुड फिल्म। इट हैड एक्सेलेंट म्यूजिक एंड मुझे पता था कि कंपटीशन कड़ा होगा और मुझे ये भी पता था कि दोनों फिल्में अपनी अपनी जगह पे जो उनको करना है करेंगी क्योंकि अगर अच्छी फिल्में हैं तो चाहे वो जितनी भी बड़ी या छोटी हो वो अच्छा बिजनेस करेंगी, अच्छा उसका रिस्पॉन्स होगा।